Now, after having done chain, position, ring chain and functional, now we have metamerism. Now, what do you mean by metamerism? This isomerism is due to the difference in the nature of the alkyl groups attached to the polyvalent atom or functional group. Now, this can be explained if I take few examples. Suppose in case of ether, which is ROR. Now, I have CH3, CH2, CH2, O, CH2 and CH3. This is one way. Second way is I can have CH3, CH2. Let me choose one so that it becomes still clear. Look at these three cases. If you compare first and second, the difference is only in the R groups. In this case, you have propyl and methyl, whereas in this case, you have ethyl and ethyl. So, the R group are different about this O. Isliye, first or second ko hum bolenge. First and second are metamers. वैसे ही यदि हम बात करें सेकेंड और थर्ड की, सेकेंड और थर्ड भी मेटामर्स हैं क्योंकि यहां पे भी आर ग्रुप का डिफरेंस है. इस केस में ओ के आसपास दो दो कार्बन है, इस केस में ओ के आसपास एक तरफ तीन कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है. पर यदि मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड की, तो यहां आप देखो 1, 2, 3 और यहां आप देखो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये हो गया हमारा OR ग्रुप. तो हम देख पा रहे हैं कि OCH3 यहां पे फर्स्ट कार्बन पे लगा है, OCH3 यहां पे सेकंड कार्बन पे लगा है और पेरेंट चेन जो है वो सेम है. पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, यहां पे भी पेरेंट चेन 3 कार्बन की है. इससे फर्स्ट और थर्ड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स. तो आपको बात समझ में आई, यदि एक फंक्शनल ग्रुप के आसपास के आर अलग अलग कर दिए जाएं तो जो हमें आइसोमर मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेटामर. तो ये अपने मेटामर के कॉम्बिनेशन हो गए 1, 2, एक तरफ तीन कार्बन है ओ के और एक तरफ ओ के एक कार्बन है. इसमें ओ के एक तरफ दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड जो है वो मेटामर है और सेकेंड के साथ थर्ड भी मेटामर है, जबकि फर्स्ट और थर्ड जो है वो पोजिशन आइसोमर्स कहलाएंगे. यदि अपन एक और एग्जाम्पल ले लें, चलो कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन. ये हमने कीटोन का एग्जाम्पल लिया. ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है, दीज टू आर मेटामर्स. ये क्यों मेटामर्स है, आप देख रहे हो इस सीओ के आसपास, ये जो सीओ है और यहां जो सीओ है, इस सीओ के आसपास के आर ग्रुप्स अलग अलग है. हालांकि टोटल कार्बन एटम्स 4 हैं, 4 हैं, देखो एक इधर 3 इधर, या फिर 2 इधर और 2 इधर. तो एक तरफ 4 है, एक तरफ इधर 2 और 2 बढ़ गए, इधर 3 और 1 बढ़ गए, इसलिए हम इसको मेटामर बोलेंगे. उसी तरह यदि मैं अमीन्स का केस लूं, तो अमीन्स में भी यदि हम बात करें, मेरे पास है CH3, CH2, 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 NH और CH3. इसी का एक और ऑप्शन हमारे पास हो सकता है CH3, CH2, CH2, NH, C2, H5. तो हमारे पास 5 थे, तो 4 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 2 हो गया.
अब यदि और हम ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करें तो मेरे पास है CH3, CH2, N, ये CH3 और ये C2H5। और सोचे यदि अपन तो अपने पास क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, CH3, CH2, CH, CH3, NH, CH3। तो इसमें आप देखोगे 1 और 2 क्या है, ये मेटामर्स है, 1, 2 मेटामर्स है। फिर आप बात करो 2 और 4, ये भी मेटामर्स है। 2 और 3 आपस में क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। और 3 और 4 क्या है, 3 और 4 भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और यदि आप देखोगे 1 और 4 तो वो है पोजीशन आइसोमर्स। इसको एक बार देखो फिर से, मैंने 1 और 2 को मेटामर क्यों बोला है, इस साइड 4, इस साइड 1, किसके, एनएच के आसपास, यहां पे इस साइड 3, इस साइड 2, इसलिए क्योंकि एनएच के आसपास सिर्फ आर ग्रुप का साइज चेंज हो रहा है इसलिए ये मेटामर है। 2 और 4 में भी देखो, इधर 3 है, इधर 2 है, और इधर 4 है, इधर 1 है, इसलिए 2 और 4 भी मेटामर्स हैं। फिर हम बात करते हैं 2 और 3 की, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, इससे ये फंक्शनल आइसोमर है। 3 और 4, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इसलिए 3 और 4 भी फंक्शनल आइसोमर है। 1 और 4 की बात करो यदि, तो इसमें फर्स्ट कार्बन पे NaCH3 लगा है, इस पे सेकेंड कार्बन पे NaCH3 लगा है, इससे ये पोजीशन आइसोमर्स है। यदि आप नंबरिंग करते हो तो 1, 2, 3, 4, यहां पे 1, 2, 3, 4, तो आप देख रहे हो कि चेन का साइज और स्ट्रक्चर सेम है, वही 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहां पे भी 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, पर इसके फर्स्ट कार्बन पे NaCH3 लगा है, इसके सेकंड कार्बन पे NaCH3 लगा है, इसे हम 1 और 4 को पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट हम मेटामर्स के लिए, थायो ईथर्स के लिए, एस्टर्स के लिए, एनहाइड्राइड्स के लिए, किसी के लिए भी हम मेटामर्स की बात कर सकते हैं। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स, मैं आपको एस्टर्स का एग्जाम्पल लेके भी दिखा देती हूं कि एस्टर में भी क्या करेंगे, हम आर ग्रुप इधर उधर कर देंगे, जहां पे भी बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों साइड आर हो तो उसका मतलब है कि वो मेटामर होगा। तो हम एक आध एग्जाम्पल एस्टर का भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम टॉटोमरिज्म की तरफ मूव करते हैं। एस्टर्स को लेके भी कर लेते हैं एग्जाम्पल मेटामर समझने के लिए। CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3. इसमें दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है CH3, C double bond O, O, CH2, CH2, CH3. हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2, 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 C double bond O, O, H. अब इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, हमने अभी बोला था कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए सेम होमोलोगस सीरीज होना चाहिए। सेम होमोलोगस सीरीज होने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इधर 2 कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन इस साइड है, यहां पे 1 कार्बन इस साइड है, 3 कार्बन एक साइड है, मतलब टोटल कार्बन 2+2 = 4, टोटल कार्बन 3+1 = 4, बट द अरेंजमेंट अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। इसलिए हम बोलेंगे कि 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, दे आर मेटामर्स। फिर आप बात करोगे यदि सेकेंड और थर्ड की, सो सेकेंड और थर्ड में आप देख रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, ये एसिड है, ये एसिड है और ये एस्टर है, इससे ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स।
और उसी तरह फर्स्ट और थर्ड भी आपस में कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस तरह आप समझ गए होगे कि मेटामर में क्या होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के आसपास जब दो आर होते हैं तो उन आर में वेरिएशन आने से वो मेटामर्स कहलाते हैं। कई बार मेटामर्स को आप देखोगे कि वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेटामर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हो जाते हैं। पर यदि मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा तो फिर हम मेटामर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो आप जैसे ये एग्जाम्पल अपन देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, और उसी तरह यदि ये ले लेती हूं मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो आप देखते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हैं और ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं। पोजीशन आइसोमर्स भी हैं और मेटामर्स भी हैं। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं ये, पर पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं पर पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मेटामेरिज्म इज नॉट ए वेरी बिग इश्यू। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें एक मेन फंक्शन ग्रुप के आसपास यदि दो आर लगे हों तो उन आर में जो वेरिएशन होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेटामर है कि नहीं। और मेटामर हम किस किस में देखते हैं, हम ईथर में देखेंगे, थायो ईथर में, कीटोन में, एस्टर में, एनहाइड्राइड में एंड सेकेंडरी अमीन में। इज दैट क्लियर? चलो अब हम चलते हैं टॉटोमेरिज्म की तरफ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमर है। हमने जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े, पहले हमने चेन पढ़ा, फिर हमने पोजीशन पढ़ा, फिर हमने रिंग चेन पढ़ा, फिर हमने फंक्शनल पढ़ा, फिर हमने मेटामर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं टॉटोमेरिज्म, जो इन सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉटोमेरिज्म होता क्या है? टॉटोमेरिज्म को यदि मैं एक एग्जाम्पल लेके फिर ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं एग्जाम्पल ले रही हूं CH3, देखो यहां पे, यहां ये कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ एन एटम, जनरली एसिटिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा एंड द मूवमेंट ऑफ ए डबल बॉन्ड। अब यहां यदि आप देखोगे तो वो बोल रहा है इट्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एन एटम जनरली हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन। इस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और ये हाइड्रोजन निकाल के हमने इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे लगा दिया। आप यदि इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहां पर एक हाइड्रोजन बढ़ गया, मतलब ये आप कह सकते हो 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट है। यदि आप गौर से देखो तो आप देखोगे ये 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो मैं इसको कह सकती हूं ये 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो वहां से निकल के इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे लग गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर माइग्रेशन ऑफ एन एटम जनरली एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा एंड द मूवमेंट ऑफ ए डबल बॉन्ड। अब आप ये देखो, डबल बॉन्ड पहले सी और ओ के बीच में था, अब डबल बॉन्ड सी और सी के बीच में है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड में एक एटम, दोनों स्ट्रक्चर में एक एटम डबल बॉन्ड के लिए कॉमन है, मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे हो रही है, ये एक कॉमन है, कभी डबल बॉन्ड इधर बढ़ जाता है, कभी डबल बॉन्ड इधर बन जाता है। तो यदि यहां पर देखो तो ये डबल बॉन्ड इस, ये जो सेकेंड कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन ने थर्ड जो एटम है वो ऑक्सीजन है उसके साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया, और इस वाले स्ट्रक्चर में उसी कार्बन नंबर 2 ने इस साइड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब अपन टॉटोमर बनाएंगे तो एक जो बीच वाला एटम रहेगा वो डबल बॉन्ड के लिए कॉमन रहेगा, वो कभी इस साइड बना लेगा डबल बॉन्ड, कभी इस साइड बना लेगा। और हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हुई है ये 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट है, कार्बन से निकल के वो एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ऑक्सीजन पे लग गया। अब मैंने इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोला है, यहां पे यदि आप देखते हो तो लिखा हुआ है कि जनरली एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए बोला कि यदि मैं यहां से H पॉजिटिव हटा लेती हूं, यदि हमने यहां से एसिडिक हाइड्रोजन है यदि ये,
तो H पॉजिटिव हट गया, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस नेगेटिव चार्ज को इस रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल गया, इसलिए यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव हटा देता है और जो एनायन बनता है, यदि उस एनायन को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या किसी भी तरह से कोई स्टेबलाइजेशन मिल जाए, तब वो एच पॉजिटिव निकलना अपना वैलिड हो जाता है। ये एच पॉजिटिव यहां से निकला, यहां से जब एच पॉजिटिव निकला तो मुझे ये एनायन मिला और ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये एनायन बनेगा। डू अंडरस्टैंड दिस, ये एनायन बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और क्योंकि ये एनायन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब यहां जो कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बातें हो गई कि वहां पे एक हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कार्बन को छोड़ के एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग हो जाएगी, पहले डबल बॉन्ड जहां था अब वहां पर नहीं है, दूसरी जगह पे है। इसके बाद है इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट जो है लार थे, और इट इज ए ट्रू आइसोमर। ये ट्रू आइसोमर है, कल हमने आइसोटोपिक आइसोमर को बोला था कि वो ट्रू आइसोमर नहीं है, मैंने कन्फर्मेशंस को या कन्फर्मर्स को बोला था कि वो ट्रू आइसोमर्स नहीं है, पर टॉटोमर ट्रू आइसोमर है। इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड शिफ्टिंग, आप देख रहे हो बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर था अब यहां हो गया बॉन्ड शिफ्टिंग, इसलिए इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म। टॉटोमर ऑफ ए गिवन कंपाउंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों रहेंगे, ये दोनों है, एक हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, एक बहुत कम अमाउंट में हो, पर ये जो दो टॉटोमर्स होते हैं एक कंपाउंड के वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इससे उसको डायनेमिक टॉटोमरिज्म भी कहते हैं। उसके बाद है ये फंक्शनल आइसोमर से कैसे अलग है, यदि आप ये देखोगे तो एल्डिहाइड है और ये एल्किनॉल है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल बन सकते हैं, पर ये फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल्स इसलिए नहीं है कि फंक्शनल आइसोमर्स में जब दो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होता है कंपेयर टू टॉटोमर्स, और वहां कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, वैसा नहीं होता है। इसलिए फंक्शनल आइसोमर जो रहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उनके बीच में कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है और उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। ये जो टॉटोमर्स है इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, कभी भी ये फॉरवर्ड और कभी भी बैकवर्ड किए जा सकते हैं और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। एसिड क्या होता है, जो एच पॉजिटिव रिलीज करता है, बेस क्या होता है, जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। आपको मालूम है ये जो है ये ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट है, एच पॉजिटिव डोनर इज एसिड, एच पॉजिटिव एक्सेप्टर इज बेस। तो यदि मैं ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट से चलूं तो यहां से H पॉजिटिव निकला मतलब ये एसिड पार्ट था और ये H पॉजिटिव O ने गेन किया क्योंकि O बेसिक पार्ट था, तो हम इसको इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं। ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है और ये बोल रहा है कि इसमें से ज्यादा कौन एग्जिस्ट करेगा। देखो यहां पे OH वाला पार्ट एसिड है, इसमें से यदि निकलेगा तो O से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से C से H पॉजिटिव निकलेगा। हमें पता है कि OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, और यहां पे ये H पॉजिटिव जो निकलेगा ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में ये ज्यादा एसिडिक है और ये ज्यादा बेसिक है, इसलिए ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। यदि मैं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखूं तो मैक्सिमम यही होगा क्योंकि इसमें जो एसिडिक पार्ट है और जो बेसिक पार्ट है वो इसके कंपेरिजन में वीकर है। तो यदि हम माने तो टॉटोमेरिज्म को हम एक इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉटोमेरिज्म विच आई विल एक्सप्लेन टेकिंग ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स, यू मस्ट नोट देम डाउन। आप ये बात को समझो, इनको नोट कर लो और फिर हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप ये आराम से नोट कर लीजिए। नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म, कौन से कंपाउंड हमें टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ही आपको टॉटोमेरिज्म मिलेगा। सेकेंड चीज है वहां पर एटलीस्ट एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए,
तो ही वो टॉटोमिज्म शो करेगा। जैसे यहां पे आप देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पर जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एक नहीं तीन तीन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी दो दो अल्फा हाइड्रोजन है और यहां देखो तो यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी होता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे जस्ट जो कार्बन लगा है उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां देख रहे हो तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखोगे तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखोगे तो तीन इस साइड और तीन इस साइड, और यहां देखोगे तो तीन अल्फा हाइड्रोजन तो हमें दिखे रहे हैं। इस आर ग्रुप में हो भी सकता है और अल्फा हाइड्रोजन हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे यहां पे देखो इस फंक्शनल ग्रुप के पास ये जो बेंजीन रिंग है उनके ऊपर उनके उस कार्बन पे जिससे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे इस फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ ये जो अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि यदि जैसे यहां पे मेरे पास ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, इस सीओ ग्रुप के लिए दो अल्फा है तो इससे भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन निकल सकता है, इससे भी अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है, पर हम वो वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे जो ज्यादा एसिडिक है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि यदि मैं इस वाले अल्फा कार्बन से एच पॉजिटिव हटा देती हूं और फिर मुझे जो एनायन मिलता है तो वो एनायन आप देखो इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, मतलब उस एनायन को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा। यदि मैं यहां से एच पॉजिटिव हटाती हूं तो इस एच पॉजिटिव के हटाने से जो एनायन बनेगा उसको सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप ही स्टेबलाइज कर पाएगा, पर यहां से मैं एच पॉजिटिव हटाने के बाद जो एनायन बनता है उस एनायन को ये कार्बोनिल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही स्टेबलाइज कर देते हैं, इसीलिए हम इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को हटाते हैं। ओके, और यहां पे आपको समझ में आ जा रही होगी बात कि हमें क्यों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं होंगे तो ये एनायन स्टेबलाइज होगा ही नहीं। ये जो क्विनिनॉइड ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहां पे टॉटोमर नहीं होगा। और आप एक चीज और याद रखिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में यूज नहीं होता है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वही टॉटोमेरिज्म में यूज होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो टॉटोमेरिज्म में यूज नहीं होते हैं। और यदि आप दो टॉटोमर्स को कंपेयर करोगे तो उनमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होंगे, कहीं कम ज्यादा नहीं होंगे। और ये लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट में ज्यादा होते हैं, गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा टॉटोमेरिज्म, और ये एसिड और बेस से कैटलाइज होते हैं। अभी जब हम आगे इनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे एच पॉजिटिव के प्रेजेंस में या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में ये टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ओके, तो आपने क्या सीखा अभी कि जब भी हम टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे, जब हम सिर्फ टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल्स देते तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसी समय कर लेते हो, पर जब हम सारे मिक्स करके सारे व्हेन वी टेक ऑल द आइसोमेरिज्म्स टुगेदर एंड वी गिव यू अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू बी सॉल्व, उस केस में फिर आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में माइन्यूट डिटेल्स में पता होनी चाहिए। जैसे यदि टॉटोमेरिज्म देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के कौन से एग्जाम्पल है? कार्बोनिल है, नाइट्रो है, साइनाइड है। उसके अलावा हमने अभी क्या पढ़ा कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का होना भी बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही वहां से एच पॉजिटिव, वो वाला अल्फा हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के फॉर्म में बनेगा और फिर वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से के कारण के प्रेजेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर यदि मान लो एक से ज्यादा तरह के अल्फा हाइड्रोजन हो तो कौन रिलीज होगा? वो एच पॉजिटिव रिलीज होगा जिसके निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनता है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो बनेगा। जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे कहीं पे भी पड़ोस में डबल बॉन्डेड ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के पास अल्फा कार्बन से यदि डबल बॉन्ड है तो वहां का हाइड्रोजन यूज नहीं होगा टॉटोमेरिज्म में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर सारे टॉटोमर्स में सेम होंगे, जितने भी एक कंपाउंड के टॉटोमर्स बनेंगे उनमें ये तीनों चीजें सेम होंगी और वो जो है एसिड या बेस से कैटलाइज होगा। ठीक है,
Now we have classification of totemism. Diet system, and triad. First, यदि अपन diet system को लेते हैं, it may be called 1-2 shift. That is, the shift is shift of an atom is between two adjacent atoms. जैसे example अपन लें, ये यहां से यहां shift होगा. तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव बन के यहां पर आया है, तो H पॉजिटिव बन के आया है तो C पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के आया है, और नाइट्रोजन के साथ उसने एक बॉन्ड बनाया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो ये 1-2 शिफ्ट हो गया, ये 1, ये 2, 1 से वो 2 पे आ गया. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन ले, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल, R, और इसकी शिफ्टिंग कराएंगे तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो R यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है. R जब यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है तो R पॉजिटिव बन के शिफ्ट हो रहा है, जिससे यहां पे वो क्लब हो जा रहा है. तो क्योंकि R पॉजिटिव बन के शिफ्ट हुआ है तो अपना पूरा एक नेगेटिव चार्ज वहां पे छूट गया, ये यहां पे हो गया, यहां पे R ने बॉन्ड बना लिया, R के चार बॉन्ड बन गए, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज. तो आप यहां देख रहे हो, यहां से H पॉजिटिव निकला, मतलब ये एसिड था, H पॉजिटिव निकला, ये बेस था, उसे जाके अटैच हो गया, इसीलिए हम इसको इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी बोल पा रहे हैं. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, यहां से H पॉजिटिव निकल रहा है, यहां पे एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं. ये डायट सिस्टम है क्योंकि यहां पर सिर्फ 1-2 शिफ्ट हो रहा है. ट्रायड सिस्टम की यदि बात करें अपन, तो ये 1-3 शिफ्ट है. Triad system is actually 1-3 shift. Triad system is 1-3 shift. इसके examples यदि अपन लें तो सबसे अच्छा example रहेगा keto enol system. Keto enol system में आप सीधा देख लो, यदि मेरे पास CH3 है, C double bond O है, और ये CH3 है, तो यहां ये 1, ये 2, ये 3, और शिफ्टिंग हो गई, यहां से H पॉजिटिव निकल के यहां लग गया, तो H पॉजिटिव निकल गया तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, फिर यहां पे ये O के साथ H, तो हम यहां पे डायरेक्ट यदि शिफ्टिंग भी दिखा के प्रोडक्ट दिखा दें तो भी चलेगा, क्योंकि मैकेनिज्म में मैं आपको डिटेल में ये बता दूंगी. ये शिफ्टिंग क्या हो गई, यहां से निकल के ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये OH हो गया, और ये CH3 हो गई. मतलब शिफ्टिंग क्या हुई, यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां लग गया, इसलिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. ये देखो, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया कीटो इनॉल सिस्टम हो गया. दूसरा सिस्टम जो होगा वो होगा नाइट्रो आइसो नाइट्रो. आइसो नाइट्रो को हम सुडो नाइट्रो भी बोलते हैं. तो यहां पे जब एग्जाम्पल लोगे तो आप ऐसे ले सकते हो, CH3 N डबल बॉन्ड O, और ये यहां पे कोऑर्डिनेट, ये 1, ये 2, ये 3, तो यहां पे क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड N OH, और ये इसको नाइट्रो, और इसको SE नाइट्रो बोलते, ACI नाइट्रो, एसी नाइट्रो या सुडो नाइट्रो. इसमें आप देखो, फर्स्ट से हाइड्रोजन निकल के थर्ड ओ पे लग गया है और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है. अब आप देखो, पाई बॉन्ड ये जो बीच वाला है, 1-2-3 में जो सेकेंड एटम है वो नाइट्रोजन है,
इस यहां पे इस नाइट्रोजन ने ओ के साथ पाई बॉन्ड बनाया है और यहां पे इस नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाया, तो जो बीच वाला एटम है वो दोनों पाई बॉन्ड्स में कॉमन होगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। थर्ड केस हम ले सकते हैं, ये होगा इमाइन एनमीन। इमाइन मतलब CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड NH। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो अब इसका जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, CH3। अब ये यहां से इधर शिफ्टिंग होगी, तो ये क्या हो गया CH3। फिर हम कैसे लिखें इसको, CH, फिर यहां से हमने H यहां डाला है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो H यहां आएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH NH2। ये अल्फा, ये बीटा। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट डबल बॉन्ड होता तो इसको इमाइन बोलते हैं, और जब एक प्राइमरी अमीन के बाद अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन होगा तो इसको एनमीन बोलेंगे। तो ये इमाइन और एनमीन के बीच में आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है, यहां पे भी हाइड्रोजन जो है वो इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, यदि आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग है वो थर्ड कार्बन से हमने फर्स्ट नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दिया है। हाइड्रोजन हमने कार्बन से निकालना है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देना है, तो कार्बन से निकला और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नाइट्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल के हमने इसको नाइट्रोजन को दे दिया, और इसलिए पाई बॉन्ड जो है यहां से शिफ्ट हो गया यहां पे। यहां पे सेकेंड कार्बन ने पाई बॉन्ड एन के साथ बनाया है, यहां पे सेकेंड कार्बन ने पाई बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, तो शिफ्टिंग हो गई 1-3 शिफ्टिंग हुई। किसकी शिफ्टिंग हुई, हाइड्रोजन की हुई, कहां से हुई, कार्बन से हुई, कहां पे गई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास गया। इज दैट क्लियर? अभी एक दो केसेस और बचे हैं वो भी हम ले लेते हैं। ये भी एक केस हो सकता है, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, 1-2-3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N O H, ये ऑक्साइन। और एक और केस हो सकता है वो है डायजो, डाइजो के साथ होगा नाइट्रोसो अमीन। एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड N OH, और इसके साथ हो जाएगा फिर H वहां चला जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा तो नेचुरली हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो आपके पास हो गया NHN, और तो ये हो गया नाइट्रोसो अमीन। ये नाइट्रोसो अमीन है, डाइजो नाइट्रोसो अमीन, नाइट्रोसो ऑक्सामिनो, तो आपके पास ये सारे केसेस ट्राइड सिस्टम के हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो होगा कीटो इनॉल सिस्टम। तो सबसे ज्यादा यूज होगा कीटो इनॉल सिस्टम, उसके बाद हमारे पास और भी दूसरे तरह के 1-3 शिफ्ट है, जहां पे एक है नाइट्रो एसिनाइट्रो, जहां पे नाइट्रो के साथ हमने ये सुडोनाइट्रो बनाया हुआ है, इमाइन के साथ एनमीन बना हुआ है, नाइट्रोसो के साथ ऑक्सामिनो है, और डाइजो के साथ में नाइट्रोसोमीन है। तो इस तरह हम टॉटोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एक डायड सिस्टम, एक ट्रायड सिस्टम। एक में 1-2 शिफ्ट होंगे, मतलब बिल्कुल एडजेसेंट दो एटम्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, और दूसरा रहेगा 1-3 शिफ्ट, तो 1-3 या 3-1 ये शिफ्टिंग होगी। हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होगी वो फर्स्ट से थर्ड एटम पे होगी, और हमेशा जो शिफ्टिंग होगी वो कार्बन पे से हाइड्रोजन निकल के या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव में से एच पॉजिटिव निकलेगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाके लग जाएगा और पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपन करके अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं।